हे गाइस इट्स मैं अंशु और आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि आप लोगों का जो सैमसंग का गैलेक्सी A52 A72 डिवाइस है इन डिवाइसेस का कंपेयर करने वाला हूँ विद ओप्पो F19 प्रो प्लस 5G डिवाइस। अब देखते हैं दोनों डिवाइसेस में से यहाँ पे ज़्यादा स्पीड आप लोगों को कौन से डिवाइस के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर मैंने कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पर प्रीफर कर दिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो रिसेंट में भी सारे ऐप्स क्लियर हैं, रिसेंट में भी कोई भी एप्लीकेशन रन हो नहीं रही है। और यही कुछ ऐप्स हैं जिनके साथ मैं आप लोगों को करने वाला हूँ स्पीड टेस्ट कंपेरिजन और ओप्पो F19 प्रो प्लस 5G वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A52 दोनों के डिवाइसेस में मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने यहां पे डायलर खोला तो डायलर दोनों में ही सेम टाइम पे खोल गया। कैमरा अगर बात करें तो यहां पे ओप्पो F19 प्रो थोड़ा फास्ट था, सेटिंग्स में भी ओप्पो F19 प्रो थोड़ा सा फास्ट निकला। यहीं पे अगर हम लोग बात करें ब्राउज़र की तो ब्राउज़र दोनों ही डिवाइसेस के अंदर एट द सेम टाइम ओपन हो गया। अमेज़ॉन की बात करें तो यहाँ पे हमारा सैमसंग गैलेक्सी A52 A72 थोड़ा जल्दी ओपन हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग ऐप्स की बात करें ऐप स्टोर की तो दोनों डिवाइसेस में सेम टाइम पे ओपन हुआ। रिकॉर्डर की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये भी दोनों डिवाइसेस में सेम टाइम पे ओपन हुआ। फाइल मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे A52 थोड़ा जल्दी खुल गया। यहाँ पे अगर हम लोग यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब दोनों डिवाइसेस में एट द सेम टाइम ओपन हुआ। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्रोम की तो क्रोम ओप्पो F19 प्रो में थोड़ा जल्दी लोड हो गया। अब मैसेजेस की बात करें तो मैसेजेस भी दोनों डिवाइसेस में सेम टाइम में ओपन हो गया। बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फेसबुक की तो यहाँ पे जो फेसबुक है तो फेसबुक भी यहाँ पे ना थोड़ा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फेसबुक जो है तो फेसबुक भी दोनों डिवाइसेस में एट दी सेम टाइम ओपन हुआ, जो कि थोड़ी शॉकिंग बात है क्योंकि काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन है फिर भी। और प्ले स्टोर भी दोनों डिवाइसेस में एट दी सेम टाइम ओपन हो गया। बात करें क्लॉक की तो क्लॉक भी यहाँ पे दोनों डिवाइसेस में सेम टाइम पे ओपन हुई। गूगल ड्राइव की बात करें तो गूगल ड्राइव भी दोनों में सेम है। अब मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U और जो हमारा सैमसंग का स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर है ये सेम सी आप लोगों को परफॉर्मेंस देते हैं। हम अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर सैमसंग में थोड़ा जल्दी खुल गया। मैप्स की बात करें तो मैप्स दोनों ही डिवाइसेस के अंदर सेम टाइम पे ओपन हो गए। अब बात करें अगर हम लोग यहाँ पे गूगल मेल की जीमेल की तो ये भी दोनों डिवाइसेस में एट दी सेम टाइम ओपन हो गया। तो काफ़ी अच्छी बात लगी मुझको दोनों डिवाइसेस की यहाँ पे कि स्पीड में कोई भी यहाँ पे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है, दोनों डिवाइसेस अपने स्पीड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल के हमको आते हैं। गाइस अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रैम मैनेजमेंट टेस्ट की। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ अभी हमारा जो स्पीड टेस्ट हुआ है उसमें हमने ये कुछ एप्लीकेशंस को यूज़ करा है तो सारे एप्लीकेशंस के अब हम लोग करते हैं रैम मैनेजमेंट टेस्ट। तो यहाँ पे दोनों डिवाइसेस के अंदर जो रैम मैनेजमेंट है काफ़ी ज़्यादा हमको अच्छी देखने को मिल जाती है। दोनों डिवाइसेस ने अपने रैम के अंदर सारे एप्लीकेशंस को रखे हुए हैं जो कि मुझको काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो आप लोग देख सकते हो सारी की सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो दोनों ही डिवाइसेस के अंदर रैम के अंदर मिलती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जो आप लोगों का सैमसंग की डिवाइसेस हैं इनके अंदर हायर रैम मिलती है अगर हम लोग कंपेयर करें विद ओप्पो F19 प्रो। फिर भी दोनों डिवाइसेस के अंदर जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है तो काफ़ी अच्छा। और आप लोगों को सैमसंग के अंदर सैमसंग की वन UI 3.1 मिलती है एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड, और ओप्पो के अंदर आप लोगों को कलर वाइज 11.1 देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। अब एंड्रॉयड 11 का रैम मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर हम लोग एंड्रॉयड 10 से या फिर कोई और उससे बात करें। फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रैम मैनेजमेंट दोनों डिवाइसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे, अभी तक तो 70% जितने भी ऐप्स हमने देखे सारे रैम के अंदर हैं जो कि मैं देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सारे के सारे जो ऐप्स हैं वो रैम के अंदर अभी तक हैं, तो ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे दोनों डिवाइसेस की देख के। और गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना था। आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लोग एक लाइक ज़रूर से कर सकते हो। एंड मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग चाहो तो आप लोग मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी रहे तो आप लोग मुझसे वहाँ पे आस्क कर सकते हो। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू ऑल गाइस इन आवर वेरी नेक्स्ट।